ललित बिहार अड्डा प्रेजेंटेड बाय सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। सनराइज मसाले में है स्वाद बिहार का। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आज हमारे साथ हैं कल्पना झा जी, जो झा जी अचार की मालकिन हैं, फाउंडर हैं। बिजनेस उन्होंने शुरू किया, अपने पैशन को उद्यम में कन्वर्ट किया और आज हम उनसे बात करेंगे बिहार के बारे में, बिहार के कल्चर, बिहार के खाने के बारे में। कैसी हैं आप कल्पना? नमस्ते, मैं कल्पना। और आपका तो मसालों से, खाने से रोज़ाना वास्ता पड़ता होगा क्योंकि आपको शौक भी है और आपने उस शौक को बिज़नेस में कन्वर्ट किया। ये मेरा एक शौक भी था और बचपन से ही एक लगाव था खाने पीने की चीज़ों को बनाने के बारे में, जैसे पकवान हो, घर का खाना हो या अचार हो, तो ये सब चीज़ बनाना शौक और परिवार वालों को देना, दोस्त को, फ्रेंड को, तो ये शौक शुरू से ही रहा है। तो आप कैसा लगता है कि मतलब उस शौक को आपने अपने पैशन में, बिजनेस में कन्वर्ट? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगता है। शुरू में तो बहुत घबराहट थी, तो पता नहीं ये बिहार का मिथिला का जो ये टेस्ट है बाहर वालों को पसंद आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन जब मैंने ये झाजी स्टोर की शुरुआत की और ये हमारा ऑनलाइन बिजनेस है, तो यहाँ से जब मैंने पूरे इंडिया में अपने अचार को लोगों तक पहुँचाया और लोगों ने जब इस स्वाद को चखा तो बड़ी बहुत पसंद आया, उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया कि नहीं ये तो बिल्कुल लगता है माँ के हाथों का स्वाद है, दादी नानी के हाथों का स्वाद है। तो जो मैंने सोचा था कि जो ये चीज़ अभी बाजार में, मार्केट में नहीं मिलता है, कहीं से ये मिस हो रहा है, नए जनरेशन ने जो खाए उन्हें तो याद है और ये छूट रहा है कहीं पीछे आधुनिकता के और मशीन में बनने वाले अचारों की तुलना में ये पीछे जा रहा है। तो बस इसी स्वाद को प्रिजर्व करने के लिए उस वक्त मन में एक प्रण आया कि नहीं करते हैं, और इसमें हमारे बच्चे और हमारे हस्बैंड काफ़ी सहयोग किए, तो उस हिसाब से उस वक्त मैंने एक संकल्प लेके इस काम को शुरू किया। तो आज एक पहचान मिला मुझे इस झाजी स्टोर के जरिए, ये मिथिला के स्वाद को भी एक पहचान मिला। लोग लिट्टी चोखा, खिचड़ी और सत्तू, ये सब चीज़ें तो लोग जानते थे जो बिहार का ये बहुत ही यूनिक फूड है, तो इसके साथ ही हमारे मिथिला का जो ये स्वाद है, ड्राई करके जो हम अचार बनाते हैं, और दौड़ी कुम्हरौड़ी है और पकवान है जो छठ के समय हमारे यहाँ प्रायः बनता है, वो सब चीज़ों को मुझे लगा कि मैं इसे बाहर तक भेजूं। लोग त्यौहार में तो खाते, बाकी समय मन में इच्छा रहते हुए भी नहीं मिल पाता है ये चीज़, तो ये लोगों तक पहुंचाओ। छठ के समय में हमारे यहाँ जो पकवान बनता है, ठेकुआ, पिड़िकिया और एक भुसवा होता है चावल के आटा की बनती है, वो सब चीज़ें बहुत ही यूनिक है, बहुत टेस्टी है, हम लोग तो खाते ही हैं, लेकिन बिहार के बाहर जो जहाँ ये फंक्शन नहीं होता है वहाँ तक ये स्वाद पहुँचे तो ये बहुत ही अच्छा होगा। और कभी कहीं पे जाने पे किसी फ्रेंड के घर खाने के बाद लोग बताते हैं बड़ा अच्छा स्वाद है इसका, गुड़ का बनता है जनरली, तो ये सब चीज़ चाहते हैं कि लोगों तक पहुँचे और इसको हम झाजी स्टोर में आगे भी जोड़ेंगे। हाँ, ये हमारा अभी तुरंत हम लोग जहाँ मैं दरभंगा मधुबनी में रहती हूँ वहाँ मखाने की खेती होती है जो आज तक लोगों तक नहीं पहुँचा था, इसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे, एक फलहार के तौर पर खाते थे, लेकिन अब पूरे दुनिया में इसे सुपर फूड के अगर इसको मिला सुपर फूड के मामले में, जो नहीं ये बहुत ही अच्छा हेल्दी फूड है, तो उस चीज़ का हमने अभी तुरंत जस्ट झाजी स्टोर में इंस्टेंट मखाना का खीर को जोड़ा है जो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। तो हाँ, तो मतलब जैसे वो इंस्टेंट मैगी नूडल्स होते हैं तो वैसे इंस्टेंट मखाना है। हाँ, 10 मिनट में ये बनने वाला खीर है, ठंडा भी खाइए, गर्म भी खाइए, गुड़ के साथ भी बना सकती हैं, चीनी के साथ भी बना सकती हैं, और जो हेल्थ कॉन्शस है वो हनी के साथ भी ले सकता है, फूड बॉल भी बना के आप खा सकते हैं। तो इस तरह से खट्टा तो मैंने चखाया और मीठा भी मैं चखा रही हूँ, आगे जो भी स्वाद है मैं ज़रूर बाहर तक कोशिश करूँगी झाजी स्टोर के माध्यम से लोगों तक पहुँचे। आपके खाने में, चाहे हम अचार की बात करें या घर में जो आप खाना बनाते हैं, वो एक कौन सा मसाला है जो खासकर बिहार में मिलता है और आपके खाने में आप उसको कोशिश करते हैं कि ज़रूर डालें? हाँ, बिहार का जो ये मसाला है जैसे काला राई, सरसों, धनिया, ये आपका जो ये फ्लेवर है, ये अर्दी फ्लेवर, ये यहाँ की जमीन मिट्टी का है ये स्वाद, तो ये जब अचार में डलता है तो ये इसको अलग से एक यूनिक बनाता है, जो लगता है जो नहीं एकदम गांव का रियल स्वाद है ये। तो यही सब मसाले तरह तरह के मिलके 10 से 12 तरह के मसाले मैं अपने अचारों में इस्तेमाल करती हूँ, जिससे अचार अच्छा बनता है और लोग बहुत पसंद करते हैं। लाल मिर्ची भरुआ, हम बनारस का मिर्ची और बिहार का मसाला मिला के जो स्वाद बनता है बहुत ही लोगों को पसंद है, बेस्ट सेलर है हमारा, सबसे ज़्यादा बिकने वाला ये लाल मिर्ची भरुआ अचार है हमारा, मिथिला स्पेशल है, सूखी
भरुआ है, तो ये सब अचार जो है लोग काफ़ी पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, थैंक यू।